मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभार व पूर्व मंत्री जीतू पटवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित एक ट्वीट करके विवादों में घिर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस मामले में कार्यवाही की मांग की गई है। जीतू पटवारी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। रामेश्वर शर्मा ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से प्रधानमंत्री की फोटो के साथ छेड़छाड़ करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कहा है। जीतू पटवारी अक्सर अपने बयानों को लेकर ट्वीट को लेकर विवादों में रहते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान की एक तस्वीर को पोस्ट किया, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। बाद में उन्होंने पोस्ट हटा दिया। भाजपा इसे आक्रोशित है। डिलीट की हुई पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए भाजपा नेता कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा कहते हैं, जीतू पटवारी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एडिट की गई फोटो पर उनसे संज्ञान लेंगे। वहीं रामेश्वर शर्मा ने नरोत्तम मिश्रा से इसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कहा है। भाजपा के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने ट्वीट करते हुए जीतू पटवारी पर निशाना साधा और लिखा, जिस पार्टी का मीडिया प्रभारी खुद शातिरों की तरह रोज फर्जी ट्वीट करता हो और फिर कायरों की तरह उसे डिलीट कर देता हो, वो पार्टी कितनी शातिर और कायर है ये बताने की आवश्यकता नहीं। इससे पहले बीते दिनों उन्होंने PM मोदी का विमान बताते हुए एक विमान की तस्वीर शेयर की। ये तस्वीर झूठी निकली। पटवारी को बैकफुट पर आना पड़ा। लोगों ने जब उसकी आलोचना की तो उन्हें अपने ट्विटर अकाउंट से फोटो हटानी पड़ी। इस पोस्ट को लेकर जीतू पटवारी भाजपा कार्यकर्ताओं के निशाने पर लगातार है। आपको बता दें, जीतू पटवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जो शेयर करते हैं उनके खिलाफ IPC की धारा 188 और धारा 464 के तहत मामला दर्ज किया गया है। देर रात भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने DIG से मुलाकात कर जीतू पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।